नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान में हमारे अतीत भाग 3 इतिहास का पहला अध्याय, कैसे, कब और कहाँ। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको अतीत शब्द का मतलब पता होना चाहिए। इसके बारे में आपने कक्षा 6 और 7 में ज़रूर पढ़ा होगा। अतीत शब्द का मतलब है कोई ऐसी घटना जो आपके साथ शायद कल, 1 साल पहले या 10 साल पहले घटित हुई हो, उसे अतीत कहते हैं। चलो बच्चों, अब हम अपने पाठ को शुरू करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे पुस्तक में दिए गए शीर्षक के बारे में और उसके अंदर अनुच्छेद के बारे में। पाठ में दिए गए चित्रों, गतिविधि और स्रोतों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। हमारा पहला शीर्षक है, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। बच्चों, इस अध्याय का उद्देश्य ये है कि जो आपने इतिहास के लिए धारणा बना रखी है कि इतिहास वो नहीं है जो हम तारीखों में समझते हैं, जैसे किस दिन राजा पैदा हुआ, किस दिन वो मरा। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि शहर, गांव कैसे बने, किन किन राजाओं ने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया और किन किन कारणों के कारण कई राजा अपना साम्राज्य नहीं बढ़ा पाए, और इनके बढ़ने से हमारी जीवन शैली में क्या क्या अंतर आए। इस तरीके से देश और विदेश में विभिन्न घटनाएं हुई जिन्होंने हमारे सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बच्चों, आप अपने अपने घरों में चाय या कॉफी तो पीते ही होंगे और रेलगाड़ी में सफर करते होंगे। खिड़की से बाहर झांकते समय आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि चाय और रेलगाड़ी का चलन कब हुआ। तो बच्चों, इनका चलन अंग्रेजों के समय में हुआ था। अब हम बात करेंगे पाठ में दिए गए पहले चित्र के बारे में। यहाँ ये बताया गया है कि जब रॉबर्ट क्लाइव भारत में आए थे तो इनको ये लगा कि पूरे भारत का मानचित्र तैयार करना बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने ये काम रेनल को दिया कि नक्शा बनाना ज़रूरी है। उसी के हिसाब से हम अलग अलग जगह पर आक्रमण और शासन करेंगे। इस चित्र में दिखाया है कि 1782 में भारत के लोग अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ और शास्त्र ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो लंबे समय में घटती हैं। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कई घटनाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक समय तक चलती रहती हैं। भारत में लोगों ने एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था, इसका स्वाद धीरे धीरे उनकी जुबान पर चढ़ा था। इसी तरह हम अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रिटिश शासन, राष्ट्रीय आंदोलन, अर्थव्यवस्था या समाज में आए बदलाव के बारे में। तो बच्चों, इससे हमें ज्ञात होता है कि ये सारी घटनाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय के लिए घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं। बच्चों, इससे पहले हमने बात करी तारीखों को अवधि में बात करने की। अब हमारे पास ऐसी भी घटनाएं हैं जिनको हम तारीख के हिसाब से बता सकते हैं। हमारे अतीत में इतिहासकारों ने लिखा है कि कौन से साल में राजा को ताज पहनाया गया, कौन से साल में उसने लड़ाई लड़ी और वो कब मरा, और उसके बाद कौन सा शासक उस गद्दी पर बैठा। इन घटनाओं में तारीख बताई जा सकती है या फिर निश्चित तिथि बताई जा सकती है। बच्चों, एक और बात, तारीखें अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती,
जो तारीखें हम चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, उसके साथ उस समय की खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर हमें चलना है। अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगे तो तारीखें भी बदल जाती हैं। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपकी किताब में दिए गए दूसरे चित्र की बात करेंगे। ये चित्र लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया। ये चित्र हमें ये दर्शाता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते थे। बच्चों, आप इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें आपको दिख रहा होगा कि इस चित्र के पीछे एक भारतीय महल है। इसी चित्र में आगे की तरफ ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर अपने शाही घोड़े पर बैठा हुआ है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी से नवाजा गया था। तो हमें बच्चों इस बात से पता लगता है कि पुराने विज्ञापनों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार उस समय में किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां चलन में आईं। हमें इन विज्ञापनों से पसंद और नापसंद का भी पता चलता है। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रिटिश शासनकाल में आए ब्रिटिश गवर्नर जनरलों की। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। इनका इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होता है और इसका इतिहास आखिरी वॉइसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होता है। आपकी किताब के तीसरे चित्र में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग का चित्र है, जो 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ब्रिटिश इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवन शैलियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। बच्चों, हम अलग अलग अध्यायों में दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग, वेल्सली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हॉर्डिंग, इरविन, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ब्रिटिश इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का ही सिलसिला बताया गया है। इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों के आधार पर ही तय होता था। इन लोगों के जीवन के बाहर कोई चीज नहीं थी, जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था। विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों के बारे में ये ध्यान नहीं देते थे। बच्चों, जब हम कोई इतिहास लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट लेते हैं, ताकि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इतिहास को हम अलग अलग काल खंडों में बांटने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि एक दौर की खासियत और केंद्रीय तत्व अलग अलग होते हैं। इससे हमें एक अवधि से दूसरी अवधि में आए विचारों और बदलावों का महत्व पता लगता है। बच्चों, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने तीन विशाल खंडों में ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। अब हम जेम्स मिल द्वारा लिखी गई किताब के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन करेंगे। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन तीन कालखंडों में बांटा था। मिल को लगता था कि एशियाई समाज सभ्यता यूरोप के मामले में पीछे है। भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमानों का तानाशाह राज चलता था। यहाँ चारों ओर धर्म, बैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल का सोचना था कि ब्रिटिश शासनकाल भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है। इसके लिए उसे सबसे पहले भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू करना होगा। मिल का मानना
या फिर उसे ये सुझाव देना कि अंग्रेज़ों को भारत भूभाग के पूरे हिस्से पर कब्जा करना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन दिया जा सके। उनका ये कहना था कि अंग्रेज़ों के बिना भारत प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। इसमें ये बताया गया है कि अंग्रेजी शासन से पहले अंधकार का दौर था। बच्चों, इतिहास अलग अलग लेखकों के द्वारा लिखा जाता है। अलग अलग लेखकों की राय भी अलग ही होती है। जैसे हम ब्रिटिश काल की बात करें तो उस काल में उन लोगों के जीवन शैली, समूहों और वर्गों को ध्यान में नहीं रखा, तो कई लोग इस ब्रिटिश इतिहास से नाखुश भी थे। इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर तीन भागों में बांटते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल। इन खंडों में बांटने की समझ हमें पश्चिम से ही आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विकास का युग माना जाता है, जिसमें विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकत थी। मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक काल की ये विशेषताएं नहीं थी। तो बच्चों, हम ब्रिटिश शासन को आधुनिकता का काल नहीं कह सकते, क्योंकि इनके समय में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी और ना ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। इसलिए बहुत सारे इतिहासकार ब्रिटिश शासन के समय को औपनिवेशिक युग समझते हैं। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि उपनिवेश होता क्या है। बच्चों, इस किताब में आप पढ़ेंगे कैसे नवाबों और राजाओं को दबाकर अंग्रेजों ने भारत के भूभाग पर अपना शासन स्थापित किया। सबसे पहले उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने शाही खर्चों के लिए राजस्व वसूल किया, उन्होंने अपनी जरूरत की चीजों को सस्ते में खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती करवाई। तो बच्चों, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि हम इस इतिहास को कैसे जानते हैं और भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड। अंग्रेजों का मानना था कि चीज़ों का लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सारे रिकॉर्डों में हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच के बारे में लिखा जाता था। उनका मानना था ऐसा करने से उन पर अध्ययन और वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। बच्चों, प्रतिवेदन का अर्थ होता है किसी घटना की सूचना देना। अंग्रेजों ने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखाकार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनवाए। उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए, जैसे तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर इत्यादि। इन सब के सामने रिकॉर्ड रूम होते थे। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों को आप आज भी अभिलेखाकारों में देख सकते हैं। इन पत्रों को खुश नवीसी के माहिर लिखते थे। बच्चों, खुश नवीसी या सुलेख नवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। अब हम बात करेंगे आपकी किताब में दिए गए चौथे चित्र के बारे में। आपको दिख रहा होगा कि चित्र में एक बहुत बड़ी इमारत है। ये इमारत भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार है जो 1920 में बनवाया गया। बच्चों, जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ
तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। हमें इनसे पता चलता है कि अंग्रेज़ों की दृष्टि में ये संस्थान कितने महत्वपूर्ण थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई कई प्रतियां बनाई जाने लगी थी। ब्रिटिश शासन, जिसको हम औपनिवेशिक शासन के नाम से भी जानते हैं, इस शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों को विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह राज करने के लिए उसको सबसे पहले सही ढंग से समझना होगा। बच्चों, अब हम सर्वेक्षण के लिए कामों का उल्लेख करेंगे। भारत का एक नक्शा तैयार करने के लिए 19वीं सदी की शुरुआत तक बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहास व फसलों का पता किया जाने लगा। 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत में सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा करने लगे। इसके अलावा बच्चों, ब्रिटिश शासन वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण इत्यादि करने लगे। अब हम बात करेंगे आपकी किताब में दिए गए पांचवें चित्र के बारे में। आपको एक पौधा दिखाई दे रहा है। इस पौधे का नाम शरीफे का पौधा है और इस पौधे का जिक्र अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालय में किया गया है। वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। बच्चों, अब हम आते हैं आपकी किताब के छठे चित्र के बारे में, जो जेम्स प्रिसिप द्वारा 1832 में बनाया गया है। इस चित्र को आप ध्यानपूर्वक देखिए। ये चित्र द्वारा हमें पता लगता है कि बंगाल में मानचित्र और सर्वेक्षण का काम चल रहा है और सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। अधिकतर रिकॉर्ड से हमें बस यही पता चलता था कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किस चीज़ में थी, क्योंकि ये सब सारे सरकारी रिकॉर्ड्स थे। बच्चों, इससे हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की वजह क्या थी। इन सब बातों को जानने के लिए हमें दूसरे स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है, जो सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले में थोड़े कठिनाई से मिलते हैं। इन स्रोतों को हम लोगों की डायरियों, तीर्थ यात्राओं और यात्री के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाओं, स्थानीय बाजार में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकों से मिलते थे। बच्चों, जैसे जैसे छपाई का काम बढ़ता गया, उसी हिसाब से लोगों की विचारधारा भी आने लगी। अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस होने लगी। ये सारे स्रोत पढ़े लिखों से ही मिलते थे। इनसे हमें ये पता नहीं लगता था कि आम आदमी, आदिवासी, किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर, सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। बच्चों, आपके इस पहले अध्याय में आपने तारीखों के बारे में पढ़ा, अवधियों के बारे में पढ़ा, ब्रिटिश काल में कैसे आम आदमी की जिंदगी को साझा नहीं किया गया, इसके बारे में पढ़ा। आपकी किताब के बाकी पाठों से आपको इनके शासन काल का पता लगेगा और क्रांतिकारियों के विद्रोहों के बारे में भी आप पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको ये अध्याय पसंद आया होगा। आपके काफ़ी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे।
और कुछ प्रश्न उत्तर जो इस अध्याय से जुड़े हैं, चलिए अब उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई तीन कालखंडों में बांट दिया था, बताइए ये सही है या गलत? बच्चों, आपका ये प्रश्न गलत है, क्योंकि जेम्स मिल ने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल इन तीन खंडों में भारतीय इतिहास को बांटा था। चलिए मेरा दूसरा प्रश्न है, सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते थे। बिल्कुल सही, ये भी गलत है, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड से हमें बस उनके ठाट पाट क्या थे और सरकारी शासक क्या सोचते थे इसके बारे में पता चलता है। आम आदमी इससे कोसों दूर था। चलिए अब है तीसरा प्रश्न, अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही, वो ये सोचते थे कि किसी देश पर कब्जा करने के लिए हमें उस देश का पता होना चाहिए, इसीलिए सर्वेक्षण बहुत महत्वपूर्ण होते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़े बड़े प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्याएं हैं? इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह है, बच्चों उसने भारतीय इतिहास को तीन खंडों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश काल। उसमें समस्याएं ये थी कि किसी काल को उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्राचीन भारत में सारे शासकों का धर्म एक समान नहीं था। तो बच्चों ये विचारधारा गलत है कि किसी दौर को हिंदू या मुस्लिम का दौर कहा जाए। बच्चों इसमें समस्याएं तो बहुत हैं, परंतु हम महत्वपूर्ण समस्या की बात करें, जैसे कि ब्रिटिश काल में उनकी तानाशाही, लोगों पर अत्याचार, उनके ठाट बाट और अपनी ही वाहवाह के चर्चे थे। इसमें ये नहीं दर्शाया गया कि हमारी सामाजिक संस्कृति कैसे आगे बढ़ी। चलिए अब दूसरे प्रश्न के बारे में बात करते हैं, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? अंग्रेजों का मानना था कि लिखना बहुत महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने अपने सारे सरकारी कामकाज को लिखना शुरू कर दिया। इन पत्रों के लिए उन्होंने राष्ट्रीय संग्रहालय और अभिलेखागार बनवाए, ताकि उनमें वो पत्र सुरक्षित रहें। बच्चों अब हम एक सूची बनाएंगे जिसमें हमें ये पता लगेगा कि आज़ादी मिलने के बाद एक दुर्गम आदिवासी इलाके की खेती में क्या बदलाव आए। रहन सहन और रोजी रोटी, नई नई फसलों का आवरण, टैक्स बंद हो गया फसलों की बिक्री पर, फसलों को बेचने के लिए अब लोगों को मीलों तक पैदल नहीं जाना पड़ता था, वो अब वाहनों का प्रयोग करते थे। चलिए अब कुछ शब्दों के अर्थ जानते हैं। हमने इस अध्याय में कुछ शब्दों के बारे में पढ़ा जो शायद हमारे लिए नए होंगे, जैसे कि अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का मतलब है किसी राष्ट्र का उत्पादन और उपभोग किस प्रकार से होता है, यह राष्ट्र की राष्ट्रीय आय पर निर्भर होता है। अर्थशास्त्र को हम दो भागों में बांटते हैं, मुद्रा तथा सिद्धांत। अर्थव्यवस्था एक प्रणाली है जहां मनुष्य की समस्त आर्थिक क्रियाओं या गतिविधियों को संपन्न किया जाता है। वानस्पतिक सर्वेक्षण, पौधों या फसलों का सर्वेक्षण। प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, जीव जंतुओं के ऊपर वैज्ञानिक सर्वेक्षण, इसी को प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण कहते हैं। पुरातत्वीय सर्वेक्षण, जब हम पुरानी किताबों
और चीज़ों के बारे में सर्वेक्षण करते हैं उसको पुरातत्वीय सर्वेक्षण कहते हैं। मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण लोगों की समझ, उनका काल में जीवन, सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन के बारे में जब सर्वेक्षण होता है उसको हम मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण कहते हैं। अच्छा, अब एक सवाल पूछूंगी, उसके चार जवाब हैं, परंतु सही सवाल का सही उत्तर तो सिर्फ एक होता है, तो आप मुझे बताएंगे कि इन चार में से सही उत्तर कौन सा है। तो मेरा पहला सवाल है, भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? और आपके ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, वॉन हेस्टिंग, डलहौजी या लिटन। बिल्कुल सही जवाब, भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉन हेस्टिंग थे। चलिए, वॉन हेस्टिंग के बारे में इतना जानते हैं तो मेरे अगले सवाल का जवाब भी आपको आता होगा। वॉन हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल कब बने? 1757, 1771, 1791 या 1773? याद कीजिए। बिल्कुल सही, वॉन हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल 1773 में बने। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जेम्स मिल ने कौन सी किताब लिखी थी? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ एशिया, हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, हिस्ट्री ऑफ अर्थशास्त्र। बिल्कुल सही, उन्होंने लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जेम्स मिल ने अपनी किताब में भारत को तीन खंडों में बांटा था, वो तीन खंड कौन से थे? पहला ऑप्शन यूरोप, एशिया और ब्रिटेन। दूसरा ऑप्शन हिंदू, मुस्लिम और ईसाई। तीसरा ऑप्शन हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। चौथा ऑप्शन हिंदू, ब्रिटिश और यूरोप। बिल्कुल सही, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। चलिए, अब पांचवा सवाल, बहुत अच्छा चल रहे हैं आप। जेम्स मिल कौन से देश का अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक था? सवाल दोबारा सुन लीजिए, जेम्स मिल कौन से देश का अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक था? यूरोप, एशिया, स्कॉटलैंड या अमेरिका? बिल्कुल सही, जेम्स मिल स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक था। अगला सवाल, अंग्रेजों ने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए कौन से संस्थान बनाए थे? दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, किले, अभिलेखागार और संग्रहालय। बिल्कुल सही, अंग्रेजों ने अभिलेखागार और संग्रहालय महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए बनाए थे। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कौन से दशक में बनाया गया? 1920, 1931, 1902 या 1891? बिल्कुल सही, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 में बनाया गया। भारत में ब्रिटिश सरकार का आखिरी वायसराय कौन था? सवाल दोबारा से सुनिए, भारत में ब्रिटिश सरकार का आखिरी वायसराय कौन था? डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, कैनिंग या इरविन? बिल्कुल सही जवाब, भारत में ब्रिटिश सरकार का आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला सवाल, रॉबर्ट क्लाइव ने किसको भारत के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था? इरविन, ब्रिटानिया, कैनिंग या जेम्स रेनल? बिल्कुल सही, जेम्स रेनल को ये काम सौंपा गया था। चलिए, अब आज का आखिरी सवाल,
ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी, ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी किसे दी गई थी? रॉबर्ट क्लाइव को, आर्थर को, जेम्स रेनिल को या इरविन को? बिल्कुल सही जवाब, आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का ये अध्याय समाप्त होता है। आप तंदुरुस्त रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।